नारंगान लाल नारंगान अपने ही रंग में अपने ही रंग में मोरी रंग दे चुंदरिया पतला कौन है और पाप भूम से भारी क्रोध अगन से तेज है कलंक का जल से कारी और मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर सामने जा रहा है जाने न पाए इसलिए हुशियारी साथ मेरे साथ आओ घमंडी राजा तू किस घमंड में चूर है बन मेरे पूजा में आकर तूने खंडित कर दिया नहीं गुरुजी राजन तुम्हें दिखाई नहीं देता आकर मेरे पूजा में खंडित कर दिया और मेरी बात सुनो जाओ मैं श्राप देता हूं मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि तेरा राज और पाठ सब तहस नहस हो जाएगा नहीं नहीं गुरुजी मैं ऐसा जानबूझ कर नहीं किया ऐसा श्राप मुझे मत दो गुरुजी मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा क्योंकि मेरे पूजा में तूने आकर खंडित कर दिया है नहीं गुरुजी तेरा राजपाट सब तहस नहस हो जाएगा नहीं और मुझसे अनजान में भूल भारी हुई
गुरुजी, मैंने आपको नहीं देख सका, मुझसे अनजानी में बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। गुरुजी मेरी गलतियों को माफ कर दो। और खता ना माफ हो तेरी, और खता ना और माफ हो तेरी, हवन ये है साप है बाबा का दिया हुआ श्राप ये भी वापस नहीं होता, लेकिन तेरे ऊपर मुझे तरस आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो मेरी भी बात एक सुन ले। बाबा जी, मैं तो यही कहता हूँ कि आप अपने दिए हुए श्राप, अपने दिए हुए श्राप वापस कर लो। बाबा जी वापस कर लो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें 12 वर्ष वन में भगवान की तपस्या करनी होगी, तब ये श्राप वापस होगा। और 12 घंटे के अंदर और अपना राजमहल छोड़कर वन में भगवान की भजन करना होगा, तब ये तुम्हें श्राप वापस होगा, नहीं तो तेरा सारा परिवार तहस नहस हो जाएगा। वो देखो उधर कोई सह रहा है। लेकिन बाबा कहाँ चले गए? हाँ, बाबा बाबा पिलनी, बाबा पिलनी मंत्री बन। ये मुझसे बहुत बड़ा बड़ा नट हो गया, ये मैंने क्या कर डाला जिसका फल आज महात्मा जी ने इतनी बड़ी शराब मुझे दे दी। मुनिराज ने कहा, अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हो तो तुम्हें 12 वर्ष वन में जाकर तपस्या करना होगा, और 12 घंटे के अंदर अपना राजपाट त्याग कर अगर वन की ओर नहीं जाओगे तो तुम्हारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। राजन, मेरा तो दिल घबरा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी की बात सत्य निकल जाए। इसलिए राजन, क्यों ना इसी देश से हम राजमहल वापस चले। मंत्रीवर, अब हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि वापस अपने राज दरबार चलते हैं। चलिए राजन, चलो सब लोग आइए मेरे साथ। आज तुम लोग भी अपने अपने घोड़े इसी जगह से वापस कर लो। बहुत अच्छी बात है मालिक, और महाराज को राज दरबार तक पहुंचाए जाए। चलिए मालिक, आइए भाई।
मंत्री विक्रम सिंह महाराज जाओ, मेरे पूरे परिवार को बुलाकर मेरे सामने लाओ। जैसे क्या राजा, मैं आज अपने परिवार से कुछ कहना चाहता हूँ। नरवरे जाओ, महाराज के परिवार को राज दरबार में बुलाए। क्या बात पिताजी, आज क्यों भारी दरबार बुलाया गया है, क्या बात है? पिताजी, आज बहुत बड़ा अपराध हुआ। मुझसे आज अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पिताजी और पिता चरण नमन है सत सत पिता चरण में कीर्त
पीजे भाई, देख पिताजी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और पिताजी कुछ नहीं बताते। अरे तू ही पूछ भाई, क्या बात है, क्या तू बता दे। बात क्या है पिता जी बता दीजिए, ऐ सच्चे राज सबको है पता नहीं। बेटी आज तुम लोग यही सोच रहे हो कि पूरा परिवार क्यों बुलाया गया है। क्या बात है, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, कुछ बता दे नहीं हो, क्या बात है। अरे ये जरूर बताऊंगा बेटा, आखिर मैंने ये परिवार बुलाया किस लिए है। इसीलिए इस राज दरबार में सब लोगों को बुला रखा है, जो मुझसे अनजाने में गलतियां हो गई हैं वो मैं तुम लोगों से जरूर बताऊंगा। बेटे मैं दरबारियों के साथ और महामंत्री के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। तो क्या हुआ पिताजी, शिकार करते करते काफी दूर निकल गया, लेकिन उसी रास्ते में एक महात्मा जी बैठे थे, अपनी होम कर रहे थे। अनजाने में घोड़े का टाप उनके हमन में पड़ा। बेटे तो क्या हुआ पिताजी, जब घोड़े का टाप उनकी हमन में पड़ गया तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया बेटा कि अंडे राजा तुझे बहुत बड़ा घमंड है, तू घमंड में आकर तुझे दिखाई नहीं देता है, जा मैं तुझे शराब देता हूं कि तेरा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। काफी मिन्नती करने के बाद बेटा उन्होंने कहा कि ये दिया हुआ शराब वापस तो नहीं हो सकता है, लेकिन अपना पापों को अगर प्रचित करना चाहता है तो तेरे लिए एक ही उपाय है। मैंने पूछा गुरु जी क्या, उन्होंने कहा कि जाओ 12 घंटे के अंदर अपना राजपाट छोड़कर 12 बरस जाके तपस्या करो। हाँ बेटा, पिताजी अगर आप 12 वर्ष तपस्या करने चले जाएंगे
क्रिया को कौन देखेगा? अरे इस सिंहासन पे कौन बैठेगा? कौन यहाँ का राजपाट संभालेगा? अजय, हमारे इस राजपाट का तू संभालेगा। हाँ बेटा, मैं तू संभालेगा। पिताजी, अभी अभी तू तारा को विवाह कर लाए। अरे उसके हाथों से मेहंदी भी नहीं छूटी। पिताजी, मैं कैसे संभालूंगा? बेटे, तू संभालेगा, तू संभालेगा। इस राज के बारे में तू यही सोचता है कि मैं क्या करूंगा? तुझे कुछ नॉलेज नहीं है ना बेटे? अजय, राज के विषय में कुछ मालूम ही नहीं। इस राज के विषय में तुझे महामंत्री जी सब कुछ बताएंगे। तुझे क्या कैसे करना है सब कुछ बताएंगे। और बेटे, उन बाबा जी ने कहा है कि 12 घंटे के अंदर अपना सब कुछ छोड़कर राजमहल से बाहर हो जाना। इसलिए दरबारियों, मेरे ये शाही वस्त्र उतारे जाए और मेरे बेटे अजय को पहनाए जाए। आप तो कहा जाते थे कि बेटा अजय, जब तेरा राज तिलक होगा तो सहनाइयां बजेगी, पूजा में दान बटवाया जाएगा। आज हमारे राज तिलक करने पर आज मैं क्या देखता हूँ कि रियाई की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आज रात दरबार में सब आंखों की बारिश कर रहे हैं। पिताजी,